माधुरी दीक्षित जैसे टॉप एक्ट्रेस भी संजय कपूर का करियर नहीं बचा पाई। संजय कपूर फ्लॉप फिल्म से किया डेब्यू। संजय कपूर ने माधुरी दीक्षित, तब्बू, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन जैसी सक्सेसफुल एक्ट्रेस के साथ काम किया है, लेकिन 28 साल के करियर में भी नहीं जमा पाए सिक्के। संजय कपूर फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत टॉप एक्ट्रेस तब्बू के साथ किया था। डेब्यू फिल्म ही उनकी फ्लॉप साबित हुई। हालांकि आज करियर के 28 साल बाद भी एक्टिंग की दुनिया में अपना सिक्का नहीं जमा पाए। माधुरी दीक्षित जैसी टॉप एक्ट्रेस ने भी उनका करियर बचा नहीं पाया। संजय कपूर का भाई अनिल कपूर सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी एक्टिंग की दुनिया में संजय कपूर को वो मुकाम नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में की, लेकिन ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। उन्होंने 95 में तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। साल 2003 संजय कपूर के लिए शानदार रहा। इस साल संजय कपूर माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म राजा में नजर आए। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्हें रातों रात स्टारडम भी मिल गया था। इस फिल्म के बाद संजय कपूर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। फिल्म के रिलीज होने के बाद वो एक बार अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए थे और लोगों ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया था। लेकिन ऐसा स्टारडम पाने के बाद भी संजय कपूर ने अपना सिक्का नहीं जमा पाए। कई फ्लॉप फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद संजय कपूर की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया। उन्होंने घर चलाने के लिए एक्टिंग की बजाय प्रोडक्शन में भी हाथ अजमाया। 2015 में उन्होंने फिल्म त्यौहार प्रोड्यूस की। इस फिल्म में उनके भतीजे अर्जुन कपूर नजर आए थे। राजा के हिट होने के बाद संजय कपूर ने कई फ्लॉप फिल्में दी जिससे उनका करियर ग्राफ गिर गया। संजय कपूर औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, जिसके बाद वो फिल्मों में साइड रोल करने पर मजबूर हो गए। संजय कपूर ने कल होना हो, एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। इस तरह से उन्होंने अपने आप को फिल्मों में एक्टिव रखने में कामयाब रहे। संजय कपूर ने 97 में ही एनआरआई मोहित कपूर से शादी कर ली। इन दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी शनाया और बेटा जहां कपूर। शनाया बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार है। आज के लिए बस उतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।